बलरामपुर चीनी मिल इकाई तुलसीपुर भागीरथी योजना के अंतर्गत प्रबंध तंत्र असिंचित परिक्षेत्र को सिंचित परिक्षेत्र बनाने के लिए संकल्पित है। उक्त बातें चीनी मिल के मुख्य महाप्रबंधक सुधीर कुमार ने बृहस्पतिवार को क्षेत्र के जनकपुर गांव में शिक्षकों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कृषकों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाभदायक एवं टिकाऊ गन्ने की खेती करने हेतु समरसेबल बोरिंग, डीप बोरिंग, सिंचाई संघ विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मील परिक्षेत्र के सभी किसान भाइयों के लिए मजबूत एवं टिकाऊ सिंचाई योजना का लाभ किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराकर लाभान्वित कर रहे हैं। अभी तक मील परिक्षेत्र में हरैया सतघरवा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम टेढ़ी परास के लाभान्वित प्रगतिशील कृषक सुखराज गुप्ता, ग्राम गोपालपुर के मोहम्मद इस्लाम, ग्राम लखौरी की कलावती देवी, तुलसीपुर ब्लॉक के ग्राम चैनपुर बड़ेरिया के कप्तान मिश्र, ग्राम भुजेहरा खैरहनिया के दिनेश कुमार वर्मा एवं गैसड़ी ब्लॉक के भोला डीह राजकुमार यादव लाभान्वित हो चुके हैं। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को ग्राम जनकपुर के प्रगतिशील कृषक एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय कुमार यादव के फार्म पर समरसेबल बोरिंग का सफल प्रदर्शन देखकर क्षेत्रीय किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बता दें कि गन्ना की खेती में मजबूत एवं टिकाऊ खेती के साथ साथ गन्ना कृषकों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ खुशहाली एवं समृद्धि के लिए लाभदायक एवं मील के पत्थर साबित होगा। साथ ही सिंचाई की सुविधा होने से असिंचित क्षेत्र का कृषक क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ही उत्पादन बढ़ाकर अपनी खुशहाली एवं क्षेत्र की खुशहाली में भी सहायक सिद्ध होगा। मैं सुधीर कुमार, इकाई प्रमुख, बलरामपुर चीनी मिल तुलसीपुर। पिछले 2 साल से मैं इस चीनी मिल में इकाई प्रमुख के पद पर काम कर रहा हूँ। पिछले ही 2 सालों में मैंने पाया कि सर्दियों में बारिश कम होने की वजह से अक्सर ना तो किसानों की बुआई गन्ने के समय पर हो पाती है और ना ही सिंचाई समय पर हो पाती है। गन्ना एक ऐसी फसल है कि जिसको 8 से 10 पानी की ज़रूरत होती है अगर अच्छी उपज लेनी है। तो यहाँ का जो किसान है तुलसीपुर क्षेत्र का, खास तौर से क्योंकि ये नेपाल की सीमा के नीचे बसा हुआ है पूरा तुलसीपुर, यहाँ पे अगर बरसात समय से ना हो तो दूसरे साधन किसान के पास सिंचाई के उपलब्ध नहीं है। नहर में भी पानी उस समय पे उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि नहर की जो रोस्टर है वो खरीफ और रबी की फसल के हिसाब से बना हुआ, गन्ने की फसल उसमें भी कवर नहीं होती। तो हमारे प्रयास नहर पे भी चल रहे हैं लेकिन नहर वाली लंबी प्रक्रिया है। इस बीच में हमने प्रयास किए कि भाई बोरिंग किसी तरह से यहाँ सफल कराया जाए। तो हमने एक ऐसा बोरिंग करने वाला कारीगर पकड़ा कि जो गारंटी के साथ किसान को, हम बोलते हैं कि एक ही बार का पैसा लिया जाएगा, दोबारा पैसा नहीं लगेगा, चाहे बोरिंग हमें 4 बार करना पड़े और हम आपको आपके खेत में पानी निकाल के देंगे। तो एक तो हमारे कारीगर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारा इसमें साथ देता है। दूसरा, हमने भी किसान की परेशानी को समझा कि भाई किसान एक ही बार धन जुटा के किसी तरह से हमें देता है, अगर हम उससे बार बार फेल होने का भी पैसा लेंगे तो उसके मान का नहीं है, वो अपना बोरिंग नहीं करा पाएगा। इसके अलावा जो बोरिंग की कॉस्ट है अभी जो आ रही है, मुख्यतः 350 फीट पर जाके यहाँ बोरिंग सफल हो जाते हैं, इससे कम पे होता नहीं। तो 350 फीट पर जाके तकरीबन इस बोरिंग में खर्चा आता है 3,75,000 रुपया। इसमें से 60,000 रुपया मिल सब्सिडी दे रही है बोरिंग करने के लिए, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है हम चाह रहे हैं कि जब सबमर्सिबल बोरिंग हो रहा है तो साथ में किसान बिजली का कनेक्शन भी लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण बिजली सिंचाई के लिए जो है उसका बिल माफ़ कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि पूरा लाभ किसान उठा पाएँ और ट्यूबवेल पर साथ साथ वो बिजली कनेक्शन भी लें। तो अगर किसान बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर भी हम 25,000 रुपया प्रति बिजली कनेक्शन सब्सिडी दे रहे हैं। और इसके बाद हमें पूरा अनुमान है कि किसान अपनी फसल की सिंचाई और बुआई समय पर कर पाएगा, उर्वरक भी समय पर लगा पाएगा और वो अपनी उपज 2-3 गुनी बढ़ा पाएगा। जैसा कि क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो वहाँ सिंचाई के साधन यहाँ के मुकाबले बेहतर हैं, तो वहाँ की जो पैदावार है वो यहाँ से तकरीबन 4 गुनी ज़्यादा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस सारे प्रयास से जो मिल सहयोग कर रही है, किसान अपनी इच्छा दिखा रहे हैं इस काम में, मुझे उम्मीद है कि जरूर किसान की जो उत्पादन है गन्ने का उत्पादन वो 2 गुना 3 गुना और 4 गुने तक भी बहुत जल्दी ही पहुंच जाएगा। सर, अब तक इस क्षेत्र में कितने बोरिंग लगाए जा चुके हैं?
अभी तक हम इस प्रयास से 8वां सफल बोरिंग हमारा ही चल रहा है जिस पे आज हम खड़े हुए हैं, और हमने तकरीबन 14 जगह प्रयास किया, 14 में से 8 सफल हो गए। हमने किसान से एक एक करके 8 ही बोरिंग का पैसा लिया है, जो बाकी में 6 में हमें विफलता मिली है वो हमने किसान से कोई पैसा नहीं लिया और हर बोरिंग पे हमने सब्सिडी दी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।